गुड मॉर्निंग, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक दैट इज सी प्रोग्रामिंग बेसिक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करने के लिए बनाने के लिए डेवलप किया गया था, इसलिए यूनिक्स का सारे प्रोग्राम सी लैंग्वेज से ही लिखा गया है। सी लैंग्वेज को जनरल पर्पस लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप कंपाइल्ड होता है। सी प्रोग्राम BCPL से डिराइव किया गया है। जो BCPL लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज से पहले डेवलप हुआ था बाय मार्टिन रिचर्ड्स। उसके बाद इन 1972 में डेनिस रिची बेल लैबोरेटरीज में सी लैंग्वेज का डेवलप किए थे। इसीलिए सी लैंग्वेज वर डिराइव्ड एंड टेकन फ्रॉम बी लैंग्वेज। BCPL एंड CPL आर प्रीवियस वर्जन ऑफ बी लैंग्वेज। तो बी लैंग्वेज से BCPL और CPL डेवलप्ड हुआ था। उसके बाद इसी BCPL लैंग्वेज से सी लैंग्वेज का डेवलप हुआ, इसीलिए उसका नाम सी लिया गया, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट में बी के बाद सी आता है। इसीलिए डेनिस रिची ने इस लैंग्वेज का नाम सी रखा था। चलिए देखते हैं फिर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग को उसका डॉक्यूमेंट सेक्शन लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सेक्शन का मतलब होता है हम लोग कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग दो नंबर ऐड करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ टू नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ टू नंबर। मतलब डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम लोग लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ टू नंबर। इससे पता चलेगा कि हम लोग जो भी प्रोग्राम नीचे लिखेंगे वो दो नंबर को ऐड करने के लिए लिखा जा रहा है। उसके बाद आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो पहले से प्रोसेस किया गया हो। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है जो पहले से प्रोसेस हुआ हो, जो पहले से कंपाइल किया गया है, क्योंकि हम लोग को पता है कि सी प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर कंपाइल करता है, उसके बाद ही वो प्रोसेसिंग होता है। मतलब कंपाइल पहले ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में। तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये पहले से कंपाइल्ड है और पहले से ही प्री प्रोसेस है। इसको खाली हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम में हैश सिंबल के साथ इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट, उसके बाद stdio.h। ये हर एक सी प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो stdio.h है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आईओ मींस इनपुट एंड आउटपुट, और डॉट एच जो है वो हेडर फाइल है। हेडर फाइल का एक्सटेंशन डॉट एच। तो नेक्स्ट है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में हम लोग जो डिफाइन करना चाहेंगे वो डिफाइन करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन सेक्शन में। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन है। ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक लोकल डिक्लेरेशन होता है, जो लोकल डिक्लेरेशन होता है जो बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। बॉडी के अंदर का मतलब जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डिक्लेयर होगा, ये होता है लोकल डिक्लेरेशन। और कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन में जो डिक्लेयर किया गया होगा उसको हम बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लोकल डिक्लेरेशन है उसको हम ग्लोबल या बॉडी के बाहर हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन होता है एंट्री पॉइंट ऑफ ए प्रोग्राम।
मेन फंक्शन होता है एंट्री पॉइंट ऑफ ए प्रोग्राम, यहाँ से एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये कंपाइलर को पता चलेगा कि जहाँ पे मेन फंक्शन लिखा जाता है वहाँ से एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके बाद ओपन कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए प्रोग्राम। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है ए इक्वल टू 100, यहाँ पे ए का वैल्यू 100 है और एक कैसा वैल्यू है या इंटीजर है, ए एक इंटीजर वैल्यू है। तो इंट लगेगा, ए लगेगा, ए यहाँ पे ए बी सी डी एम एन ओ पी हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। और बॉडी क्लोज करने के लिए हम लोग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये एक एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है। यहाँ पे देखिए हर एक सेंटेंस में एक एक सेमी कॉलन लगा है। सेमी कॉलन का मतलब होता है यहाँ पे कंपाइलर को पता चलेगा कि यहाँ एक सेंटेंस एंड हुआ है, क्योंकि कंपाइलर ही है जो ट्रांसलेट करेगा सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज से, तो उसको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे एक सेंटेंस स्टार्टिंग हुआ है, कहाँ पे एंडिंग हुआ है। तो स्टार्टिंग मेन फंक्शन से होता है और एंट्री मेन फंक्शन से होता है, स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट से होता है और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से एक प्रोग्राम एंड होता है। और हर एक सेमी कॉलन में उसको पता चलता है एक सेंटेंस क्लोज हो रहा है। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कैसे एक सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जो भी प्रोग्राम हम लोग सी में लिखेंगे, एक प्रोग्रामर टेक्स्ट एडिटर से अपना प्रोग्राम लिखेगा, उसको सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, सोर्स प्रोग्राम। अभी ये जो प्रोग्राम लिखा गया है ये कंपाइल होगा कंपाइलर के थ्रू। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल में ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर व्हिच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये जो सोर्स प्रोग्राम है ये कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा और उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो मशीन प्रोग्राम है जो 0 और 1 में लिखा जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन डॉट ओबीजे हो जाएगा। जो प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे वो डॉट सी से सेव किया जाएगा, क्योंकि सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सी डॉट सी से किया जाएगा। तो वो सोर्स प्रोग्राम होगा, उसके बाद कंपाइल होने के बाद वो जो फाइल होगा वो डॉट ओबीजे हो जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा, वो जो ओबीजे फाइल होगा, वो जो ऑब्जेक्ट फाइल होगा वो लिंकर के साथ लिंक करेगा। लिंकर क्या करेगा, लाइब्रेरी फंक्शन जो मैं पहले बताई थी stdio.h, stdio.h, हाइस इंक्लूड stdio.h जो लिख रहे हैं हम लोग, वो एक लाइब्रेरी फंक्शन में है, उसको हम लोग लिंक करते हैं। जैसे हाइस इंक्लूड में हम लोग इंक्लूड किए तो ये लिंकर क्या करेगा, उसी फाइल को लिंक करेगा अपने प्रोग्राम में। उसके बाद जब लिंक हो जाएगा ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसका एक्सटेंशन .exe आएगा, .exe। उसके बाद अभी .exe फाइल क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा और उसके बाद हम लोग को आउटपुट मिलेगा। समझ में आ गया? और एक बार मैं बोल रही हूँ, प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिखेगा सी टेक्स्ट एडिटर में जिसको सोर्स फाइल कहा जाता है। सोर्स फाइल मतलब ये जो फाइल हम लोग लिखेंगे सी में, सी लैंग्वेज में, उसको हम लोग सपोज एग्जाम्पल ए बी सी डॉट सी
फाइल में सेव किए हैं, abc.c। मेरा फाइल का नाम है abc और .c है जो एक्सटेंशन है मैं, तो इसको सोर्स फाइल कहा जाता है। अभी सोर्स फाइल को कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा मतलब ट्रांसलेट करेगा जो मशीन कोड में होगा। तो ये जो फाइल निकलेगा उसको ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है। तो अभी ऑब्जेक्ट फाइल क्या हो जाएगा, abc.obj हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइल है, ठीक है। अभी ये हो गया abc.obj, ये हो गया abc.c। अभी क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो लाइब्रेरी फंक्शन के साथ लिंक होगा थ्रू लिंकर। लिंकर क्या करेगा, लाइब्रेरी फाइल के साथ प्रोग्राम को लिंक करेगा। जो प्री डिफाइंड फाइल होता है, लाइब्रेरी फाइल है प्री डिफाइंड, प्री प्रोसेसर, प्री कंपाइल्ड में बोली थी वही वाला फाइल के साथ वो लिंक होगा। अभी ये लिंक होने के बाद ये फाइल .exe में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमारा फाइल का नाम है abc.exe हो जाएगा, exe फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या होगा, यही exe क्या होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल ही रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा आउटपुट निकलेगा जो है हमारा रिजल्ट्स, ठीक है। अभी हम लोग कैरेक्टर सेट पढ़ेंगे जो सी में आता है। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कोई भी लैंग्वेज हो उसका कुछ कैरेक्टर रहता है, जैसे कि हम लोग abcd ये डिजिट्स यूज कर रहे हैं स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, कहाँ पे हम लोग कॉमा दे रहे हैं, फुल स्टॉप दे रहे हैं, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे हर लैंग्वेज में होता है। उसी तरह सी में भी कुछ कैरेक्टर्स यूज करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। एज एवरी लैंग्वेज कंटेंस ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू कंस्ट्रक्ट वर्ड्स, कुछ कैरेक्टर्स को लेके हम लोग क्या करेंगे, वर्ड तैयार करेंगे, स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो सी लैंग्वेज ऑल्सो हैज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच इंक्लूड अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स यूज होता है, डिजिट्स यूज होता है, स्पेशल सिंबल भी यूज होता है। तो सी लैंग्वेज सपोर्ट्स ए टोटल ऑफ 256 कैरेक्टर्स, तो सी कितना कैरेक्टर सपोर्ट करता है, वो होता है 256। एवरी सी प्रोग्राम कंटेंस स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम सी कैरेक्टर सेट। तो सी कैरेक्टर सेट से ही एक वर्ड फॉर्म होता है और उसी में से एक स्टेटमेंट बनता है। सी लैंग्वेज कैरेक्टर सेट कंटेंस द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो सी लैंग्वेज में कौन सा कैरेक्टर्स है आइए देखते हैं। वो होता है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स यूज होता है, डिजिट्स भी यूज होता है और स्पेशल सिंबल यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे अल्फाबेट्स, अल्फाबेट सी लैंग्वेज सपोर्ट्स ऑल द अल्फाबेट्स फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल द अल्फाबेट्स फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज, लोअर एंड अपर केस बोथ यूज होता है, मतलब अपर केस का 26 अल्फाबेट्स एंड लोअर केस का 26, तो टोटल हो गया हमारा 52 अल्फाबेट्स वो सपोर्ट करता है। उसके बाद डिजिट्स, डिजिट्स भी सपोर्ट करता है, डिजिट्स हमारा 0 से 9 तक है तो 10 डिजिट्स सी लैंग्वेज भी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आ रहा है स्पेशल सिंबल्स, इसी सिंबल्स को हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, वो जो होता है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ, बैक स्पेस देना हो, स्पेस देना है, तो हम लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं।